समाप्त हुई है, एक षड्यंत्र के अंतर्गत हुई थी, षड्यंत्र के अंतर्गत, क्योंकि कोई टुक नहीं था, पहले केस दर्ज किया, उसको स्टे करवाया, जिसने दर्ज किया उसी ने स्टे करवाया, अभी सुनवाई में नहीं चाहता हूँ, ये क्या तुक हुआ। उसके बाद में जब पूरा षड्यंत्र हो गया, पार्लियामेंट को बोलने नहीं दिया गया और कहा गया कि भाई आप इसको एडजॉइन कर दो, उसको पर बोलने देंगे, कुछ जवाब देना चाहते थे मना कर दिया, और फिर मुकदमा वापस शुरू करवाया गया। आप देखिएगा, मुकदमा वापस शुरू करवाया गया हाईकोर्ट में रिक्वेस्ट करके, और एक मैंने फैसला आके मैक्सिमम सजा दे दी है, मैक्सिमम सजा कभी होती नहीं ऐसे केस के अंदर, और उनको दूसरे दिन ही तीसरे दिन ही उनको हाउस से निकाल दिया। तो कर्नाटक की जनता ने बाकी जवाब दिए उनको, इसका जवाब भी दिया है, जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा थी, मुद्दे महंगाई का, बेरोजगारी का, नॉन वायलेंस का, अमीर गरीब के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए, और क्या अच्छी बातें कही, तो तमाम जो खड़गे साहब के और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो तमाम लोगों ने साथ दिया, पूरी टीम आके, जो भी हमारे सिद्धारमैया थे, डी के शिव कुमार थे, लोकल तो वो थे, बाकी सोनिया गांधी तो चली गई भाई वहाँ पर, प्रियंका जी गए, जितने नेता गए वहाँ पर, तो वहाँ की जनता समझ गई कि वास्तव में जो जिस प्रकार से ये सरकारें घिरा रहे हैं, कर्नाटक के पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान में इनकी दाल नहीं गली, उन्होंने राजस्थान में भी कोई कमी नहीं रखी इन्होंने, इन्होंने पूरा षड्यंत्र किया, सब कुछ किया जो और जगह किया, और यहाँ उनको हमने कामयाब होने नहीं दिया। अब ये जो परिणाम आए हैं कर्नाटक के, आप देखेंगे तमाम उन राज्यों के अंदर सरकार गिरी है, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, या राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह सरकारें, बाकी आम पब्लिक इनके हथकंडों को समझ चुकी है कि आप जो है चुनी सरकारों को आप इस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग करके खरीद फरोश करके फिर आप सरकार बदलते हो, फिर लोकतंत्र का रहेगा। आज लोकतंत्र के लिए आम आदमी का मान सम्मान है, जो वोट मांगने हमें जाना पड़ता है, पैरों में हाथ लगाना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है, अगर यही कमजोर हो जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा। ये लोग को भी पसंद नहीं करेंगे, दुखाएंगे, वो तो बजरंग बली के भक्त हो गए, कितने लगाएं वही भगत हैं, आपके कहने जरूरी जरूरी वो टप्पा लगाएं लगाएंगे। इस प्रकार जो उन्होंने कैंपेन किया उसका अवसर है। सर, महंगाई राहत कैंप को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा, क्या कहेंगे? डॉक्टर सुमारिका जी, प्रभारी मंत्री, यहाँ के विधायक हीरालाल मेघवाल जी, पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी जी, विधायक श्रीमती मनीष पवार, कृष्णाराम बिश्नोई, रमेश बारणा जी, उपाध्यक्ष राज्य मेला प्राधिकरण, कुंती परियार, महापौर साहेब आज नगर निगम, विक्रम सिंह बिश्नोई उप जिला प्रमुख, हमारे पूर्व सांसद बदीराम ठाकर साहब, कमल अयूब खान, महेश व्यास, और प्रधान प्रगति कुमारी जी, सोनिया चौधरी जी, समूह देवी जी चेयरमैन, नगर पालिका प्रिपार्थ नरेश जोशी, और उन्होंने मुझे सब कुछ सिखा दिया। उसने इतने मोटा पर ठीक कहा कि रास्ता भर में घूमना पड़ रहा है वो अलग बात है, पर मारवाड़ के लोगों ने, जोधपुर के लोगों ने मेरे को बचपन से जो श्रेय दिया है, आशीर्वाद दिया है, वो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी पूंजी है, ये मैंने कहा है। और मैंने कह रहा मैं सासू दूर नहीं हूँ, मैं तासू दूर नहीं, मैंने शुरुआत भी कह रखा है, और ये भी मैंने कहा मैं अंतिम सांस तक प्रदेशवासियों की सेवा करूँगा, अंतिम सांस तक। हमेशा कोई पद पे रहना जरूरी होता है, सुनिए, कोई मैंने कहा 2030 तक रहता नंबर वन मैंने देश के अंदर राज्य, उस दिन पता नहीं कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन क्या रहेगा, अलग बात है,
और मैं जहाँ भी रहूँगा कि पद पे रहूँ नहीं रहूँ, पर मैं कम से कम मैंने संकल्प कर रखा है, बचपन से मेरा शौक था सेवा करने का, और वही मेरा संकल्प अंतिम साल तक कायम रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मुझे खुशी है कि ये कैंप लगा में कैंप में गया, जो मुझे वहाँ मिले कैंप में बुजुर्ग मिले, महिलाएँ मिली, इतनी खुश थी, इतनी खुश है कुछ सोच नहीं सकता। क्योंकि महंगाई की मार बहुत भयंकर है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, नौकरी मिल नहीं रही है, पूरे देश के अंदर भी हालात यही है, और राहुल गांधी की यात्रा थी तो ये मुद्दे थे उनके सामने।